जो आज विषय लिया गया है ये बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषय आपको यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट्स में या इकोनॉमिक्स की स्टडीज में देखने को मिलते हैं। समाज की चर्चाओं में ऐसे विषय आना बहुत ही कमाल की बात है। तो समस्याओं पे बहुत बात हो गई है, मैं कुछ समाधान की बात करना चाहूंगा, सिर्फ सार रूप में बात करूंगा, एसेंस के रूप में और भाव रूप में, यानी कि उसका भाव पक्ष, इमोशनल पक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारे सर ने कहा था इन समस्याओं का समाधान है सत्ता। सत्ता यानी कि राजनीतिक सत्ता, जिससे ये देश चलता है, ये संविधान चलता है और पूरी दुनिया चलती है, और उसके नीति निर्देशक तत्वों पे हमें संविधान इस तरह से, क्योंकि अमेंडमेंट की जो आप तो वकील साहब बैठे हैं यहां बताएंगे, उनके पास है और सत्ता इनके पास रही तो माइंड माय वर्ड्स 2019 में अगर ये आ गए तो मैं दिखा दूंगा जिन सपनों को हम संजोए इनको टुकड़े टुकड़े होते फेंक देंगे लोग। हल्के मत लीजिए अपने शत्रु को। क्यों क्यों नहीं हल्के में से लेना है? क्योंकि साथियों षड्यंत्र का एक शब्द है, षड्यंत्र का अर्थ है साजिश। यह पर्यायवाची हमें पढ़ने को और सुनने को मिलता है, पर मैं बताना चाहता हूं कि इसका अर्थ कुछ और है उनकी डिक्शनरी में। षड्यंत्र का अर्थ है षड मीन्स छ, यंत्र मीन्स टूल। छह यंत्र हैं, छह टूल्स हैं, देयर आर सिक्स टूल्स टू रूल दिस कंट्री। बोल रहा हूं सर, आप सुन लेंगे तो एक मिनट प्लीज, थैंक यू। षड्यंत्र मतलब छह यंत्र हैं जिस पे हम पे शासन किया जा रहा है। कौन से हैं वो? अगर हम उनको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि कितना खतरा है और कितना उस तरह से हमें उसको टैकल करना है, कैसे उसको परास्त करना है। पहला यंत्र है, चार तो आपने सुने होंगे, शाम, अपने शत्रु को प्यार से टैकल करो, समझाओ। दाम, अगर वो प्यार से नहीं मान रहा है तो उसको कुछ दाम ऑफर कीजिए, पद प्रतिष्ठा, कुछ धन ऑफर कर दीजिए। अगर शाम नहीं माने, दाम नहीं लिया है, तो दंड, घर से निकलेंगे, कुछ बाइक वाले आएंगे, आपको अटैक कर सकते हैं। भेद, आइसोलेशन, जैसे गांव में हुक्का पानी बंद कर देते। तो साथियों ये चार सभी को पता है, मुझे पता है, सभागार में बैठे सभी महानुभावों को चार पता है, पर दो कौन से हैं? खेल उसी का ही है, उसी लिए मैं इस शब्द को यहां चुनना चाहा। वो है छल और कपट। जब छह यंत्र आप समझ जाएंगे, शाम, दाम, दंड, भेद, छल और कपट, साथियों मैं बता रहा हूं, आप में सबसे आप अंदर मन से पूछिए, आपने किसने इन छह यंत्रों का प्रयोग किया अपने जीवन में? अरे हम इतने सच्चे हैं, जैसे बाहर है वैसे दिल के अंदर होते हैं। अगर किसी का समर्थन दे दिया तो दे ही दिया फिर समर्थन। तो साथियों जब तक छह यंत्रों का तोड़ नहीं है, मैं कम से कम दावे के साथ कह सकता हूं खतरा बहुत भयंकर है। और इस सवाल के मत लीजिए, शत्रु आपके दरवाजे पे खड़ा है, अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो जब ये छह यंत्र बना दिए गए तो इन छह यंत्रों ने हमारी संपत्ति को लूट लिया, हमारे मान सम्मान को लूट लिया, हमारे गौरवशाली इतिहास को लूट लिया, और आज भी वो कहर जारी है हम पर। तो क्या करें? पर्ची मिल गई है तो क्या करें? समाधान की बात मैं करना चाह रहा हूं साथियों। अब बातें इतनी गहरी होती हैं, लेकिन वो ये क्रिकेट की कुछ बोले और फिर वो गाथा। खैर साथियों क्या करें? फिर चुनना है आपने आप में से बेहतर व्यक्ति को, जो जो आपके घोड़सवार को आपको विजय दिला दे, उसको आप अपना घोड़ा थमाइए, उसको अपने ड्राइविंग का जो स्टीयरिंग है उसको संभालिए कि वो आपका बेस्ट पर्सन हो। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2014 में,
ये 2019 से 2014 में ले जाना चाहूंगा साथियों, जब बीजेपी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना था, उसका मंथन चल रहा था, सभी जान रहे थे कि अब की बार तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मौका मिलने वाला है। उन्होंने समंदर की राजनीति की थी, बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, और बीजेपी को भार के लेके आए थे। सीबी बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। और अंतिम बात, उनकी दिल की इच्छा भी थी, दिल की इच्छा भी थी कि बस एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के वो आनंद में एक बार महसूस करें। साथियों, सभी का महसूस करना था, मानना था कि हाँ, टिकट तो इन्हीं की बनती है प्रधानमंत्री पद की, इन्हीं की योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चिंतन हुआ आरएसएस के उन बंद दरवाजों में, और ये निकल के आया कि टिकट तो इनकी बनती है, इनको दे भी देंगे, ये अपनी सीट निकाल भी लेंगे, लेकिन ये बीजेपी को सत्ता में नहीं ला सकते। और जब सत्ता में आएगी तो सभी तो जो कामयाब होने हैं वो रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उस वक्त चुना नरेंद्र मोदी को। याद कीजिए 2014 में सबको लगा था, अरे किसको चुन लिया, 2002 के दंगों के दाग हैं, इनके हाथ खून से रंगे हैं, हर मीडिया वाला इनसे पूछेगा अरे तुमने ये किया, अरे तुमने क्या, कैसे चुनाव जीतेंगे। लेकिन आरएसएस कौन है साथियों? आरएसएस ऐसा कोई नहीं है कि बगल में आपका कोई साथ मिल जाएगा। ये कुछ हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी चित पावन ब्राह्मण का एक कोर ग्रुप है, जिसकी अलग अलग फिर कंटूर्स हैं, और वो हो सकता है कि जो अंतिम पायदान पे है उसको पॉलिसी शेयर भी ना करे। वो अपना निर्णय दिया उन्होंने, लेकिन इन लोगों में, मैडम बस दो मिनट, लेकिन इन लोगों की ये मैच्योरिटी है कि आडवाणी का जो कैंप था, पावरफुल कैंप था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बुद्धिजीवियों की बात मानी, और परिणाम आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि 800 साल के बाद ये गौरवशाली स्वाभिमानी हिंदू का राज आया है। तो साथियों, हमें भी अपने आप में से बेहतर शूरवीरों को चुनना होगा। मैं आग्रह करूंगा इस मंच से कि वो एक ऐसी ही कार्यशाला, एक ऐसा ही टेस्टिंग पॉइंट करे जिसमें आप बेहतर अपने युवाओं को चुनेंगे, अपने शूरवीरों को चुनेंगे, और उनको राजनीति में भेजेंगे आप। हम उम्मीद करते हैं जो जा चुके हैं कि वो हमारे लिए लड़ेंगे, सड़कों पे आ रिजाइनेशन दे, पर जानना वो कौन है। सर्टिफिकेट से तो आपके हैं, लेकिन किस प्रक्रिया से हो गए। तो साथियों, प्रारंभ में ही मैंने बोला सर, समाधान पे बात कर रहा हूँ, यही समाधान है। 4-5 महीने में अगर ये कर देंगे तो फिर मुझे लगता है हमें समस्याओं पे बात नहीं करनी पड़ेगी। इसको समझिए सर, मैं पार्टी विशेष का कुछ हो सकता है उसके लिए माफी चाहता हूं, परंतु समाधान की बात कर रहा हूं सर। ठीक है, तो अंतिम बात सर, बाहर मिलेंगे प्लीज, मोस्ट वेलकम है। तो साथियों, आप लोग जो सीनियर हैं, आप लोगों का अनुभव हमें चाहिए, युवाओं का ऊर्जा, दोनों मिल जाएंगे तो हम इस विजय को प्राप्त कर सकते हैं। 2019 हमारे सामने है, हमें देखना होगा कि कौन चुनाव हारे। वी हैव टू मेक श्योर दैट हु इज गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप भी इस निकट खतरे को समझें और हम एकजुट होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने समझदारी है, जोश है, उन सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।